सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ, आपका स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में, लेके आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों पहले अपडेट की बात करें तो निकल के आता है स्पीड टेस्ट, जिसमें बताया गया कि इंडिया लैग करता है श्रीलंका और नेपाल से और आ जाता है 109 पोजीशन पे इंटरनेट स्पीड टेस्ट के मामले में। दोस्तों इंडिया आता है ब्रॉडबैंड स्पीड टेस्ट में 76 पोजीशन पे। ये जो स्पीड टेस्ट होता है ये कराया था ऊकला ने ग्लोबली लेवल पे। दोस्तों इस रिपोर्ट में निकल के आया है कि 2017 जनवरी के शुरुआत में इंडिया की मोबाइल इंटरनेट स्पीड डाउनलोड थी वो थी 7.60 Mbps, जो कि आते आते नवंबर तक हो चुकी है 8.80 Mbps। दोस्तों यहीं पे ब्रॉडबैंड स्पीड की बात करें तो इंडिया की ब्रॉडबैंड स्पीड थी जनवरी 2017 में वो थी 12.12 Mbps, जो कि आते आते नवंबर में हो चुकी है 18.80 Mbps, जिसमें देखने को मिलता है आपको नियर अबाउट 50% का इंक्रीज। दोस्तों इस रिपोर्ट की बात करें तो नॉर्वे करता है टॉप इंटरनेट स्पीड में विद 62.66 Mbps डाउनलोड स्पीड, और सिंगापुर करता है ब्रॉडबैंड टेस्ट में टॉप विद 152.22 डाउनलोड स्पीड। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो अगर आप चलाते हैं नोकिया 3 तो आपको मिल चुका होगा सिक्योरिटी पैच अपडेट दिसंबर का। तो अगले अपडेट की बात करें तो फ्लिपकार्ट लॉन्च करने वाला है पिंच डे सेल 15-17 दिसंबर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा भारी डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसमें से होंगे शाओमी मी A1, वीवो का V7, डिजिटल कैमराज, LEDs और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो RBI करने वाला है आपको वॉन SMS के द्वारा और बताएगा आपको कि कैसे बचें, जो कि फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जिसमें बताया जाता है कि आप जीत चुके हैं इतनी इतनी प्राइज मनी। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो वीवो का जो V5 था, जो कि मिलता था 17,990 रुपये में, उसकी प्राइस कट डाउन हो चुकी है और अब मिल रहा है 15,990 रुपये में। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो ओप्पो को मिल चुका है परमिशन नोएडा में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का, जिसके लिए देने पड़े हैं उसको 2,200 करोड़ रुपए। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो अगर आप चलाते हैं MI A1 तो उसमें मिल चुका है आपको 1,000 का परमानेंट डिस्काउंट, जो कि अब मिलेगा आपको 13,990 रुपए में। तो अगले अपडेट की बात करें तो अगर आप चलाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे कई सारे अपडेट्स, जिसमें कि हैं पिक्चर टू पिक्चर और रिप्लाई प्राइवेटली ऑप्शन। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो वोडाफोन ने लॉन्च कर दिया अपने नए ऑफर, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा 1 GB पर डे डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स 176 रुपीज़ के टॉपअप पे। ये जो टॉपअप है ये वैलिड होगा खाली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एरिया के सेक्टर में। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो रिपोर्ट निकल के आया कि रिलायंस जियो बढ़ाने वाले अपने इंटरनेट रेट्स 2018 के लिए, और देखते हैं कि क्या बाकी टेलीकॉम कंपनीज का प्राइस रेट रहेगा जैसे कि जियो अपने रेट बढ़ाता है। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो रिपोर्ट में निकल के आया है कि OnePlus 5T सपोर्ट नहीं कर रहा है HD व्यूइंग ऑप्शन कई सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, और उम्मीद है कि अगले अपडेट में ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आखिरी अपडेट की बात करें तो गूगल होम मिनी में आने वाले हैं टच कंट्रोल्स वापस। गूगल के द्वारा एक रिपोर्ट निकल के आई जिसमें उसने बताया कि वो लाने वाला है प्ले और पॉज बटन अपने कम्फर्ट स्टाइल स्पीकर, जो कि है उसका गूगल होम मिनी। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर बहुत ही पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए जय हिंद।